पड़ी कि लोगों को कुर्बानी देनी पड़ी। तो आइए मैं अपने भाषण का प्रमुख हिस्सा आपके सामने रखती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सबको जरूर पसंद आएगा। क्या समझोगे तुम इस युग में कि प्राण गंवाने का डर क्या था? क्या समझोगे तुम इस दौर में कि अंग्रेजों के प्रताड़न का स्तर क्या था? क्या देखा है रातों रात पूरे गांव का जल जाना? क्या देखा है वो मंजर बच्चों का भूख से मर जाना? कहने को धरती अपनी थी पर भोजन का न एक निवाला था। धूप तो उगती थी हर दिन पर हर घर में अंधियारा था। बैसाखी का पर्व मनाने घर घर से दीपक निकले थे। लौट न पाए अपने घर को जो प्राण बचाने निकले थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड वो कहलाया जिसमें बच्चे बूढ़े सब मर गए थे। क्या कसूर था उन निर्दोषों का कि देनी पड़ी कुर्बानी थी? क्या कसूर था उस बेबस माँ का जिससे रूठी उसकी किलकारी थी? धीरे धीरे आक्रोश बढ़ा सबके सर पर क्रोध चढ़ा। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलवाया तो हमने भी चोरा चोरी कांड किया। हमें बेबस समझते थे इसलिए हम पर हुकूमत करते थे। पर देश पर जान कुर्बान करने से न हम भारतवासी डरते थे। भूत हुई थी तानाशाही अब तो देश को वापस पाना था। साम दाम दंड भेद चाहे जो हथियार अपनाना था। गांधी जी ने धीरज धरा और कहा अहिंसा को ही अपनाना है। ईंट का जवाब पत्थर नहीं होता यह सबक अंग्रेजों को सिखाना है। अहिंसा को हथियार बनाया न कोई गोली बंदूक चलाया। फिर भी अंग्रेजों को हमने अपने देश से खदेड़ भगाया। उस तारीख को हमने सुनहरे अक्षरों से गढ़वाया। यही हमारा 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस है भाइयों जो शाह ने 15 अगस्त कहलवाया। जय हिंद।